रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम एहसास और नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे से पसमानदा तबके के अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान ने अफगान नाजमुल उमूर को आज दफ्तर खारजा तलब किया और अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की तरफ से गुज़िश्ता रात शिमाली वज़ीरिस्तान में हमले पर सख्त एहतजाज किया, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान ने कहा है कि मसूद अजहर का नाम अक्वामे मुत्तहदा की पाबंदियों की कमेटी में शामिल करने से पाकिस्तान पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उनकी गैर मुल्की सफर पर पाबंदी, असासों के इंजमाद और हथियारों पर पाबंदी शामिल है। और अक्वामे मुत्तहदा ने लीबिया के दारुल हुकूमत त्राबलस में महसूस शहरियों के लिए महफूज इंसानी राहदारियों के कयाम की जरूरत पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ।